कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर हैं कर्नाटक के, और इस दौरान वो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां सत्र जिसको संबोधित कर रहे हैं। और व्यापक बनाना है, आने वाला दशक भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी आधारित गवर्नेंस के लिए एक डिसाइसिव समय होने वाला है। विशेष तौर पर कॉस्ट इफेक्टिव एग्रीकल्चर और फार्म टू कंज्यूमर के बीच के सप्लाई चेन नेटवर्क को लेकर अभूतपूर्व संभावनाएं टेक्नोलॉजी लाने वाली है। इसका सीधा लाभ गांव को होने वाला है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को होने वाला है। आप सभी को ये भी जानकारी है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर जल पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान जल जीवन मिशन शुरू किया गया है। इस अभियान की ताकत भी टेक्नोलॉजी है। अब यह आपका दायित्व है कि पानी की रिसाइकलिंग और रीयूज के लिए प्रभावी और सस्ती टेक्नोलॉजी कैसे विकसित करें। एक प्रकार से वाटर गवर्नेंस आपके लिए एक नया फ्रंटियर है। घर के भीतर से निकलने वाले पानी को खेतों में सिंचाई के लिए उपयोग कर पाए, इसके लिए सस्ता और प्रभावी समाधान आपको तैयार करना है। हमें ऐसे बीज भी तैयार करने होंगे जो पोषण से भी भरपूर हो और पानी का उपयोग कम करें। देश भर में जो सॉयल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं, उस डेटा का उपयोग रोजाना की खेतीबाड़ी के काम में कैसे हो, इस पर भी नए सिरे से विचार करना होगा। सबसे अहम ये कि सप्लाई चेन में जो नुकसान हमारे किसानों को होता है, उससे बचाने के लिए तकनीकी समाधान बहुत ही जरूरी है। साथियों, गांव की अर्थव्यवस्था की एक और अहम कड़ी है हमारे लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई। बदलते हुए समय में इनकी मजबूती भी आप सभी साथियों से जुड़ी हुई है। अब जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक की ही बात लीजिए, देश ने सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्ति पाने का संकल्प लिया है, ताकि अपने पर्यावरण को, हमारे पशुओं, हमारी मछलियों को, हमारी मिट्टी को हम बचा सकें। लेकिन प्लास्टिक का सस्ता और टिकाऊ और कुछ नया विकल्प तो आपको खोजना होगा। मेटल हो, मिट्टी हो या फिर फाइबर, प्लास्टिक का विकल्प आपकी प्रयोगशाला से ही निकलेगा। प्लास्टिक वेस्ट के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से मेटल को निकाल लें। तो दो दिवसीय दौरे पर कर्नाटक के पीएम मोदी, जहां पर उन्होंने भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें सत्र को संबोधित किया और कहा कि भारत के वैज्ञानिक दुनिया भर में परचम लहरा रहे हैं और सस्ते स्मार्टफोन ने विशेषाधिकार को खत्म किया है। तो न्यू इंडिया को नई तकनीक सोच की जरूरत है और गरीबों के लिए 2 करोड़ से ज्यादा मकान बनाए हैं। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए कर्नाटक दौरे के दौरान की गई है, जब वो भारतीय विज्ञान कांग्रेस के इस सत्र को संबोधित कर रहे थे।